आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 स्टार्ट हो रहा है 30 मई से, जिसका पहला ही मैच इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा 30 मई को ही। तो आज हम इस वीडियो में इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वर्ल्ड कप 2019 के पहले मैच की प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे दोनों टीमों की तरफ से इस मैच में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ये मैच कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी वर्ल्ड कप 2019 के फैंस तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। दोस्तों अगर हम बात करें तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का पहला मैच जो कि इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा हाई वोल्टेज मुकाबला, जो कि यह मैच 30 मई 2019 थर्सडे को खेला जाएगा लंदन के केनिंगटन ओवल के स्टेडियम में, और यह मैच शाम को 3 बजे से स्टार्ट होगा यानी कि 3 PM से इंडिया टाइम के हिसाब से। दोस्तों यह मुकाबला काफी टक्कर काफी रोमांचक होने वाला है क्योंकि दोनों टीम इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रही हैं और काफी बैलेंस टीम दिखाई दे रही है इस टाइम पर। तो गाइस बिना देरी के चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। अगर हम बात करें सबसे पहले इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, तो एज ए ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे जसन रॉय, जो कि इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और काफी विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं। जबकि नंबर 2 पर होंगे जॉनी बैरिस्टो, जो कि ये भी इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार रन पर रन बनाते हुए जा रहे हैं। ऐसे में दोनों बल्लेबाज ओपनिंग की बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे इस मैच में। अगर बात कीजिए नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर होंगे जो रूट, जो कि ये वन डाउन की बैटिंग करेंगे और इन पर इंग्लैंड की टीम भी काफी ज्यादा डिपेंड रहने वाली है क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम में लगातार परफॉर्मेंस करते हैं। अगर बात कीजिए नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर होंगे योन मार्गन, इंग्लैंड टीम के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन, जबकि नंबर 5 पर होंगे बेन स्टोक, बेहतरीन ऑलराउंडर जो कि तेज गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। वहीं अगर हम बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर होंगे जबरदस्त विकेट कीपर बल्लेबाज जोश बटलर, जो कि ये भी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अगर बात कीजिए नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर होंगे मोइन अली, इंग्लैंड टीम के जबरदस्त ऑलराउंडर जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। अगर बात कीजिए नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर होंगे आदिल रशीद, इंग्लैंड टीम के बेहतरीन स्पिनर। वहीं इसके बाद नंबर 9 पर होंगे जबरदस्त फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर, जो कि काफी सटीक काफी खतरनाक गेंदबाजी कराते हैं। अगर बात कीजिए नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर होंगे क्रिस वॉक्स। तो इसके बाद नंबर 11 पर दो खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है, जो कि नंबर 1 पर लियाम प्लांकेट, तो इसके बाद नंबर 2 पर मार्क वुड, जो कि दोनों ही तेज गेंदबाज काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसे में हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए इस मैच में लियाम प्लांकेट को खिलाया जाएगा। दोस्तों ये इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11। अब अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 के बारे में इस मैच के लिए इंग्लैंड के खिलाफ, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है क्रिकेट ड्यूएल फैंटेसी क्रिकेट ऐप ने, जो कि एक माल का ऐप है, जो कि आप सभी लोग इस ऐप में 25 लाख रुपए तक डेली जीत सकते हैं। और ये ऐप ड्रीम 11 से भी बहुत ही बढ़िया ऐप है क्योंकि इसमें सिर्फ 8 प्लेयर ही पिक करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर 3 विकेट कीपर बल्लेबाज दिए हुए हैं, तो इनमें सिर्फ एक ही चूज करना है, तो मैं यहां पर चूज करूंगा जॉनी बैरिस्टो को। अब यहां पर 2 बल्लेबाज है, तो मैं यहां पर चूज करूंगा फॉफ डुप्लेसिस को। अब यहां पर 3 बल्लेबाज दिए हुए हैं, तो मैं चूज करूंगा हाशिम आमला को। अब यहां पर 4 हैं, तो किसी एक को चूज करना है। ऐसे ही आपको एक एक करके चूज करना है सारे ऑप्शन में से, और आपकी टोटल बन जाएगी 8 खिलाड़ियों की पूरी टीम, और इन पूरी टीम को आप खिला सकते हैं। जैसे कि पहले आपको सेट करना होगा कप्तान और वाइस कैप्टन। हम यहां पर सबसे पहले कप्तान बनाएंगे फॉफ डुप्लेसिस को ही, जॉनी बैरिस्टो को वाइस कैप्टन, जो कि पॉइंट्स जुड़ते रहेंगे, डबल मिलेंगे वाइस कैप्टन और कप्तान के। वहीं दोस्तों इस ऐप की खास बात यह है कि इस ऐप में कोई भी क्रेडिट सिस्टम नहीं है। इस ऐप में अभी 100% डिपॉजिट बोनस है 7 जून तक, तो आप डाउनलोड करके जरूर अपनी टीम बनाकर खेलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो भी पैसे जीतेंगे तुरंत अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस बिना देरी के चलिए बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका टीम की प्लेइंग 11 की इस मैच के लिए इंग्लैंड के खिलाफ। तो एज ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे जबरदस्त फॉर्म में चल रहे क्विंटन डिकॉक, जो कि एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जबकि नंबर 2 पर होंगे हाशिम आमला, जो कि ये भी इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, लगातार रन पर रन बनाते हुए जा रहे हैं। अगर बात कीजिए नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर होंगे फॉफ डुप्लेसिस, साउथ अफ्रीका टीम के जबरदस्त कप्तान और बैट्समैन, जो कि ये वन डाउन की बैटिंग करेंगे। तो इसके बाद नंबर 4 पर होंगे रसाई मंदर दुसान, जो कि ये भी एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं। अगर बात कीजिए नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर होंगे जेपी डुमिनी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं, जबकि नंबर 6 पर होंगे डेविड मिलर, जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज। अगर बात कीजिए नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर होंगे
एडले फ्लिक वायो जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं, तो इसके बाद नंबर 8 पर होंगे कगिसो रबादा जबरदस्त फास्ट बॉलर, जबकि नंबर 9 पर होंगे इमरान ताहिर। वहीं इसके बाद नंबर 10 पर होंगे दिल स्टैंड जबरदस्त फास्ट बॉलर। अगर बात की नंबर 11 की तो नंबर 11 पर होंगे लुंगी निगिडी। दोस्तों ये रही साउथ अफ्रीका टीम की प्लेइंग 11 जो कि दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 है। तो गाइस आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी यह मैच कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें, और वो कौन से 11 खिलाड़ी खेलने चाहिए दोनों टीमों की तरफ से इस मैच में।